हेलो स्टूडेंट्स अगर आप कोडिंग करते हो और जॉब रेडी गाइडेंस की अगर आपको आवश्यकता है तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए क्योंकि इसके अंदर आपको छोटी से लेके हर बड़ी चीज की जानकारी मिल जाएंगी कई सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप जानोगे कितना वक्त लगेगा सीखने में कितनी सैलरी मिलेंगी कब जॉब होता है कब आप पहचानोगे अपने आप को कि आप जॉब करने लायक हो गए ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त कर पाओगे इस तरह का और कोडिंग गाइडेंस वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स इस प्लेलिस्ट लिस्ट को चेकआउट कीजिए चैनल सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए हमारा टॉपिक है फुल स्टैक वेब डेवलपर वेब डेवलपर यानी कि जिनको वेबसाइट बनाने आती है तो जो लोग शुरू से अंत तक वेबसाइट को खुद ही बना सकते हैं उनको फुल स्टैक डेवलपर कहा जाता है जैसे एक वेबसाइट बनाने के लिए उसके यूजर इंटरफेस की कोडिंग करते हैं फिर उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं तो ये तीनों काम जो लोग खुद अकेला कर लेंगे वैसे लोग को फुल स्टैक वेब डेवलपर के नाम से जाना जाता है एक पॉपुलर क्वेश्चन है कितना वक्त लगता है फुल स्टैक डेवलपर बनने में जिससे हाईएस्ट पेड सैलरी हमें मिल सके कम्प्लीटली इसको माइंड में फिट कर लीजिए मिनिमम थ्री ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको हाईएस्ट पेड वाला जॉब चाहिए तो इंटरनेट के वैसे आर्टिकल्स पे कभी मत जाइए जो आपको ऐसा कहते हैं कि सिक्सटी आवर्स में जावा स्क्रिप्ट कम्प्लीट टेन आवर्स में नोट जेस कम्प्लीट इस तरह से किसी लैंग्वेज को पढ़ने से सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने किस लैंग्वेज पे कितना ज़्यादा वक्त इन्वेस्ट किया है जितना ज़्यादा आप लैंग्वेजेस पे टाइम इन्वेस्ट किए होंगे उतनी अच्छी सैलरीज आपको फ्यूचर में मिलेंगी अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप कैसे पहचानोगे अपने आप को कि आप इतना प्रिपेयर हो चुके हो कोडिंग सीखने के बाद जिससे आपको जॉब मिलेंगी कोडिंग आपने सीख लिया और इंटरनेट के पॉपुलर वेबसाइट्स को उपयोग करते वक्त अगर आपके माइंड्स में थॉट्स नहीं आते तो आप समझो आप एलिजिबल नहीं हो जॉब करने लायक जैसे यूट्यूब पे अगर आपने कोई वीडियो प्ले किया और आप कोडिंग जानते हो अच्छी तरह से डेफिनेटली आपके माइंड में कभी ना कभी थॉट्स आएगा ही कि कैसे ये वीडियो प्ले होता होगा कितना डेटा एक बार में सर्वर से यूजर के सिस्टम पे रेस्पॉन्स के रूप में ट्रांसफ़र होता होगा बफरिंग स्ट्रीमिंग प्ले पॉज ये फंक्शनैलिटी कैसे हैंडल होती होंगी ऐसा थॉट्स उन्हीं को आ सकता है वेबसाइट ऑब्जर्व करते वक्त जिनको कोडिंग की अच्छी नॉलेज होंगी बेसिक नॉलेज होगा कोडिंग का कभी ऐसा थॉट्स नहीं आएगा तो कोडिंग सीखने के दौरान अगर आपको ऐसा थॉट्स आने लगे आप समझ जाओ आप एलिजिबल हो चुके हो जॉब के लिए अब आप कोशिश कर सकते हो ट्राई कर सकते हो इंटरव्यूज वगैरह देने का तो यहाँ तक जो भी जानकारी अब तक आपको दी गई वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके माइंड में पॉजिटिव इंट्रैक्शन क्रिएट हो सके अब आप टेक्निकल चीज़ों को जानो यानी कि क्या पढ़ना होगा कैसे पढ़ना होगा सेलेबस क्या होगा जब भी आप प्रॉफिटेबल वेबसाइट बनाओगे तो डेफिनेटली उसमें कोई सर्वर साइड लैंग्वेज इस्तेमाल होगा ही सर्वर साइड लैंग्वेज वो कहा जाता है जिसके माध्यम से आप यूजर से कोई डेटा लेते हो और यूजर तक किसी डेटा को पहुंचाते हो वैसे लैंग्वेज को सर्वर साइड लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है तो जो सर्वर साइड लैंग्वेज आप अच्छी तरह से जानोगे वही सर्वर साइड लैंग्वेज आपके लिए प्लेटफॉर्म होगा जैसे आप PHP पी अच्छी तरह से जानते हो और मैं आपसे पूछूंगा कि आपका प्लेटफॉर्म क्या है तो आप कहोगे कि आप पी एच पी प्लेटफॉर्म पर काम करते हो तो फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए आपको किसी भी एक प्लेटफॉर्म को चूज़ करना होगा पी एच पी नोट जे एस ए एस पी डॉट नेट जावा या पाइथन ये पांच पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वेबसाइट डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में इनमें से कोई भी एक को आप चूज़ कर सकते हो किसको चूज़ करना चाहिए उसकी सारी जानकारी अभी आपको हो जाएंगी जो भी कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएगा आपका सपोज कीजिए अगर आपको किसी प्लेस पे पहुंचना है और उस प्लेस पे पहुंचने के लिए पांच अलग अलग रास्ता है तो क्या आप पाँचों को चूज़ करोगे नहीं आप किसी भी एक को चूज़ करोगे और उस प्लेस पे पहुँच जाओगे सेम उसी प्रकार से इन पाँचों के माध्यम से आप वेबसाइट बना सकते हो लेकिन अलग अलग प्रकार का अलग अलग प्रकार की फंक्शनैलिटी आप हैंडल कर पाओगे और अगर सबके माध्यम से वेबसाइट बनेगा तो फिर इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म आप चूज़ करोगे अभी आपको समझ में आ जाएगा एक से दो साल के अंतराल में सीख कर अगर आपको कोई भी जॉब करना है छोटा या बड़ा जॉब करना है तो पी या पाइथन दोनों में से किसी को भी चूज़ कर लीजिए मैं रेकमेंड करूंगा आपको पी क्योंकि पी एक ऐसा सर्वर साइड लैंग्वेज है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी सीखने की आवश्यकता नहीं है PHP पी को सीखने के लिए लेकिन अगर आप पाइथन वगैरह को चूज़ करोगे तो इसमें लाइब्रेरी पढ़ना होगा आपको जेंगो फ्लास्क ये सारी चीज़ें ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले सटीक चीज़ों को सीखना चाहिए जो थोड़ा उलझा हुआ है वैसे चीज़ों पे डायरेक्ट फोकस नहीं करना चाहिए तो ये कन्फ्यूजन तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आपको पहली बार सर्वर साइड कोई लैंग्वेज सीखना है और चूज़ करना है कि पी एच पाइथन में से कौन सा चूज़ किया जाए तो हम पी एच चूज़ करेंगे अब यहाँ जो तीन सर्वर साइड लैंग्वेज है जिसके बगल में हाइएस्ट पेड रिटन है डेफिनेटली अगर इनका अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो मैक्सिमम पैकेजेज़ वग़ैरह आपको मिलेंगे आई इंडस्ट्रीज़ में अच्छा एक्सपीरियंस का मतलब तीन साल से ऊपर का एक्सपीरियंस चार साल पाँच साल छः साल अगर इस तरह से आपके पास लैंग्वेज पे इन तीनों में से किसी पे भी काम करने का एक्सपीरियंस है तो आप निश्चिंत रहो आप कंपनीज़ में इंटरव्यू दोगे और अगर आपका स्किल्स अच्छा होगा तो हंड्रेड परसेंट चांस है कि आपका अच्छे पैकेज के साथ सेलेक्शन होगा तो जल्दबाजी में फुल स्टैक डेवलपर बन के जॉब करना है तो पी एच पी पाइथन ये जान गए हाइएस्ट पेड सैलरी वाला जॉब चाहिए तो इनमें से किसी एक को चूज़ करेंगे लेकिन याद रखें नोट जे एस एस पी डॉट नेट या जावा तभी सीखेंगे जब पेशेंस बहुत स्ट्रांग होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि नोट जे एस सीख कर गए और जॉब हो जाएगा एस पी डॉट नेट सीख के गए और जॉब हो जाएगा आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए जिससे यूजर की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप अपने कोड से सॉल्व कर सको वो कोड नोट जे का हो सकता है एसपी डॉट नेट का हो सकता है या जावा का हो सकता है अब ये जानिए कि नोट जे अगर आप अच्छी तरह से जानते हो एस पी डॉट नेट या जावा तो किस प्रकार की कंपनीज आपको हायर कर सकते हैं जहाँ पे आपको हाईएस्ट पैकेज वगैरह मिलेगा स्पेशली जो नोट जे होता है आपका वो अभी के ट्रेंड में बहुत फेमस है आप अमेज़ॉन प्राइम पे वीडियो देखते हो नोट जेस के माध्यम से नेटफ्लिक्स पे वीडियो देखते हो नोट जेस के माध्यम से ओला ऊबर पे आप रियल टाइम डेटाओं को ऑब्जर्व कर पाते हो नोट जेस के माध्यम से गूगल के मोबाइल एप्लीकेशन से आप वीडियो कॉल करते हो या गूगल मीट के माध्यम से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो नोट जेस के माध्यम से यूट्यूब पे अच्छा वीडियो स्ट्रीमिंग को आप ऑब्ज़र्व कर पाते हो नोट जेस के माध्यम से फेसबुक पे आप लाइव आ हाँ पाते हो लाइव चैट कर पाते हो नोट जेस के माध्यम से अब एस पी डॉट नेट के बारे में जानिए इंटरप्राइज इंडस्ट्री के लिए अगर आप जॉब करना चाहते हो तो एस पी डॉट नेट को चूज़ करेंगे इंटरप्राइज इंडस्ट्री वो होता है जो किसी और बड़े इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट गूगल के लिए भी प्रोडक्ट बनाता है एडोब के लिए भी प्रोडक्ट बनाता है वैसे ही एडोब भी खुद गूगल के लिए प्रोडक्ट बनाता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए प्रोडक्ट बनाता है तो इंटरप्राइज इंडस्ट्री वही होता है जो अगला किसी बड़े इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाता हो और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के एजुकेशन सेक्टर्स है वहाँ भी एस डॉट नेट डेवलपर्स की ज़्यादा डिमांड होती है तो अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी रेलवे आर्मी और भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स के लिए ड्रीम रखते हो तो उसके लिए एस पी डॉट नेट सवर साइड लैंग्वेज वाला प्लेटफॉर्म आपको चूज़ करना चाहिए अब जानिए जावा कब चूज़ करना चाहिए जनरली जावा से भी आप इंटरप्राइज इंडस्ट्री में काम कर पाओगे लेकिन नॉर्मल काम नहीं होता है जावा के माध्यम से अभी के ट्रेंड के अनुसार जावा का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट गूगल यूट्यूब्स बैंक्स के बड़े सर्वर्स, फाइनेंस के बड़े सर्वर सिक्योरिटी सिस्टम्स के बड़े सर्वर्स या आर्मी के बड़े सर्वर्स को इजीली मेंटेन या स्केल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऐसा नहीं कि अभी आप जावा प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बना रहे हो तो इंटरप्राइज इंडस्ट्री में जॉब होने के बाद आपको वेबसाइट ही बनाना होगा नहीं इंटरप्राइज इंडस्ट्री या बड़ी बड़ी जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती उनके जो सर्वर्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए आप जावा से वर्क करोगे अगर आपका प्लेटफॉर्म जावा है और इसके माध्यम से आप जॉब करते हो तो तो बहुत सारी बातें मैंने इनके बारे में आपको बताया कन्फ्यूजन हो रही होंगी कि कौन सा चूज़ करना चाहिए ईजी शब्दों में समझ लीजिए इसके लिए तो क्लियर है कि जल्दी जॉब चाहिए तो इनमें से कोई चूज़ कर लेंगे इन तीनों में ज़रा समझिए क्या आपको जावा स्क्रिप्ट में शुरू से ही इंटरेस्ट है क्या आपका जावा स्क्रिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है जिससे आप ये मानते हो कि आप जावा स्क्रिप्ट में कैसे भी फंक्शनैलिटी हैंडल कर सकते हो अगर ऐसी बात है तो आप नोट जे को ही चूज़ करेंगे अपना प्लेटफॉर्म यकीन मानिए आप बहुत अच्छा कर पाएंगे नोट जे के फील्ड में अब एस पी डॉट नेट के बारे में जानिए क्या आपको सी सी प्लस प्लस सी शार्प इन तीनों लैंग्वेज में शुरू से मन लगा है अगर इन तीनों लैंग्वेज में आपको ऐसा फील होता है कि कोई भी बड़ी फंक्शनैलिटी आप हैंडल कर सकते हो तो आप एस पी डॉट नेट को चूज़ कर लो कौन कौन सा लैंग्वेज फिर से सुनिए सी सी प्लस प्लस और C#। Sharp. ओके अब जावा के बारे में जानिए तो कभी भी जावा से वेबसाइट बनाने के लिए पहले आपको कोर जावा सीखना होता है तो कोर जावा सीखने के दौरान क्या आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाया जो एस लेवल हो एस के लेवल एप्लीकेशन उसे कहा जाता है जिसको फ्यूचर में कभी भी आप एडिट कर लो और उसमें नई फंक्शनैलिटी को ऐड कर दो जिसकी फंक्शनैलिटी कभी भी आप इम्प्रूव कर सकते हो वैसे एप्लीकेशन को एस के लेवल एप्लीकेशन कहा जाता है तो कोर जावा सीखते वक्त अगर आप एस के लेवल एप्लीकेशन कोई अच्छी तरह से डेवलप किए हो तो आप एकदम श्योर हो जाओ आपको जावा प्लेटफॉर्म को चूज़ करके इसमें आगे बढ़ना चाहिए ओके अब इसके बाद तो आप प्लेटफॉर्म चूज़ कर लो के, लेकिन अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म को चूज़ किया तो उसके लिए यानी कि उसमें फ़ुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको उनके कंटेंट को पढ़ना होगा क्या पढ़ेंगे अगर आपको पी का फुल स्टैक डेवलपर बनना है या नोट जेस का या एच पी डॉट नेट का तो देखिए उसके लिए यहाँ पे सेलेबस ऑलरेडी डिफाइंड है पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपने पी एच प्लेटफॉर्म चूज़ किया तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या पढ़ना चाहिए एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट जे क्वेरी एजाक्स बूट स्ट्रैप यहाँ तक तो आप समझते हो इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ प्रोटोटाइपिंग टूल उसे कहा जाता है जिसमें हम वेबसाइट के लेआउट को प्रिपेयर करते हैं लेआउट का मतलब हो गया कि वेबसाइट बनने के बाद कैसा दिखेगा तो यहाँ बूट स्टेप सीखने के बाद ये तीनों आपको सीखना होगा ऐसा नहीं कि तीनों में से कोई एक क्योंकि तीनों का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है अब सपोज कीजिए इमेज ऑप्टिमाइज करना है डेकोरेट करना है तो फोटोशॉप तो चाहिए ये तो सीखना होगा आपको एडोबैक्सटी ईजिली आप वेबसाइट के लेआउट को प्रिपेयर कर पाओगे लेकिन एडोब टी पे काम करने से पहले आपको फिग्मा सीखना होता है तो आप यूँ समझो बूट स्टैप के बाद आप फोटोशॉप सीखोगे फिर फिग्मा सीखोगे और फिर उसके बाद एडोब एडोबैक्सटी को सीखोगे वैसे चैनल पे इसका ट्यूटोरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और जितना भी सिलेबस में कंटेंट आप देख रहे हो वो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें आप वैप इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस को ज्वाइन करके पढ़ सकते हो जो आप सोचोगे कोडिंग के फील्ड में वो सारा चीज़ अवेलेबल है इस कोर्स के अंदर एक बार वेबसाइट पर विजिट कीजिए और बेहतर जानकारी के लिए सेल्स टीम को कॉल कीजिए कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो किसी भी वीडियो के कमेंट को पढ़ लीजिए हमारे प्रीमियम स्टूडेंट का ढेर सारा कमेंट आपको दिख जाएगा जरा वापस आइए नोट्स में इसके बाद आप एंगुलर या रिएक्ट दोनों में से कोई भी एक फ्रेमवर्क सीख सकते हो जावास्क्रिप्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए फिर उसके बाद पी तो सीखेंगे ही वर्ड सीखेंगे लारावेल सीखेंगे अगर आप सिर्फ वेबसाइट को गोडैडी पे या नॉर्मल सर्वर पे होस्ट करना जानते हो तो आप कुछ भी नहीं जानते हो आपको वी पी डेडिकेटेड सर्वर्स ये सारा चीज़ मैनेज करने आना चाहिए तो लारावेल के बाद कोई भी क्लाउड सीखिए ए या गूगल क्लाउड इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर लीजिए रेस्ट ए डेवलपमेंट अपनी सर्विस को कोड के माध्यम से जब हम किसी चीज़ को पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए रेस्ट एपीआई को डेवलप करते हैं तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए अगर आप पीएचपी का फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो तो रेस्ट एपीआई कैसे डेवलप होगा ये चीज़ हम पीएचपी में ही सीखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल ज़रूर सीखना चाहिए आपको जैसे कि सेलेनियम आपने वेबसाइट बनाया बग फाइंड कैसे आप करोगे जब तक आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं करोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि आपके एप्लीकेशन में कौन सा बग है तो ये सिलेबस आपके पी पी में फुल स्टैक डेवलपर को बनने के लिए था अब यहाँ देखिए क्या डिफाइंड है बींग स्टेबल इन 24 फ़ोर मंथ यानी कि इसको पढ़ने के लिए अगर आपने 24 फोर मंथ का समय कम से कम इन्वेस्ट किया तो ही आप अपने stable developer आप को स्टेबल डेवलपर मानो आप समझो कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे पी एच पी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्या आप इसे छः महीना में कम्प्लीट कर लोगे ठीक है आपने एक एक चैप्टर को छः महीना में कम्प्लीट कर लिया लेकिन क्या होगा छः महीना में सीख कर उतना ही कर पाएंगे जितना टीचर आपको सिखाएगा अगर मैं जावा स्क्रिप्ट की बात करूँ तो अगर आप अच्छी तरह से जावा स्क्रिप्ट सीखोगे तो छः महीना में भी कम्प्लीट नहीं होगा अगर आप मेरे प्रीमियम स्टूडेंट हो और वीडियो देख रहे हो तो आपने तो पढ़ा है मुझसे आपको पता होगा क्या छः महीना में सही से जावास्क्रिप्ट सीख सकते आप बताओ कमेंट करके पॉसिबल ही नहीं है और आप छः सात महीना या एक साल में इसे कंप्लीट कर लोगे और इंटरव्यू देने जाओगे और वहाँ पे आप बताओगे कि मैंने वन ईयर में पूरा चीज़ को कंप्लीट किया है तो हो सकता है वो आपको रिजेक्ट कर दे क्योंकि वो जानते हैं कि इंडस्ट्री में जॉब करने का मतलब है कि यूज़र की प्रॉब्लम को कोड से सॉल्व करना अब आज ही नोट जेस प्लेटफॉर्म के लिए सिलेबस को देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक सेलेबस सेम होगा यानी कि एस से लेकर एंगुलर और रिएक्ट तक सेलेबस सेम होगा इसके बाद थोड़ा सा बदलेगा जैसे कि नोट आ जाएगा एक्सप्रेस आ जाएगा नोट का फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस ताकि नोट की कोडिंग आप और इजी शब्दों में कर सको दो प्रकार का डेटा आपको सीखना होगा एक रिलेशनल डेटा और दूसरा नन रिलेशनल डेटा ये दोनों डेटाबेस क्यों सीखना चाहिए ज़रा इसको जानिए ये रिलेशनल है और ये नॉन रिलेशनल यानी इसमें टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होगा और इसमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तो जिसमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर होगा उससे सर्वर साइड लैंग्वेज का कनेक्टिविटी फास्ट होगा और वहाँ से रिस्पॉन्स भी फास्ट आएगा क्योंकि ब्राउजर डिफॉल्ट रूप से किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही प्रोसेस करता है इस वजह से जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है उससे रिस्पॉन्स फास्ट आता है लेकिन याद रखिए नन रिलेशनल डेटा बेस कॉमन डेटाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली टेक्स्ट डेटा के लिए लेकिन बाइनरी डेटा स्टोर करना है जैसे कि डेटा बेस के अंदर वीडियो स्टोर करना है ऑडियो स्टोर करना है तो वहाँ पे नन रिलेशनल डेटा बेस सही परफॉर्म नहीं करता इसीलिए दोनों को पढ़ना चाहिए ताकि आप बाइनरी डेटा माई सिक्वल में स्टोर कर सको और टेक्स्ट डेटा नन रिलेशनल डेटाबेस यानी कि मोंगो डीबी में स्टोर कर सको सॉकेट प्रोग्रामिंग इसी की वजह से नोट जेस आपको रियल टाइम डेटाओं का आदान प्रदान करता है आप जानते हो नोट जेस को सी प्लस प्लस में क्यों लिखा गया डेटाओं को रियल टाइम में अगर आदान प्रदान करना है तो यूजर के नेटवर्क को एग्जामिन करना होगा सर्वर के हार्डवेयर को एग्जामिन करना होगा तो ऐसी फंक्शनैलिटी सी प्लस प्लस में ईजिली हैंडल हो सकते हैं इनफैक्ट दूसरा लैंग्वेज भी अगर ये फंक्शनैलिटी हैंडल करेगा तो सी प्लस प्लस के माध्यम से ही करेगा इसी वजह से नोट जेस को सी प्लस प्लस में बनाया गया ताकि नोट जेस रियल टाइम किसी डेटाओं को आदान प्रदान कर सके अब रियल टाइम आदान प्रदान करने का मतलब क्या हुआ जैसे मैंने किसी को कोई चीज़ अभी भेजा तुरंत एक सेकंड में वहाँ पहुँच जाएगा फिर उसने मुझे कुछ भेजा तुरंत एक सेकंड में मेरे पास पहुँच जाएगा जैसे आप चैट करते हो आपने हाई राइट किया तो जिसको आप हाई भेजो कि ऐट अ टाइम चला जाएगा फिर उधर से उसने हेलो लिखा तो ऐट अ टाइम वो आ जाएगा तो वो शॉकेट प्रोग्रामिंग की वजह से होती है तो बैकएंड में सॉकेट प्रोग्रामिंग हार्डवेयर वगैरह को एग्जामिन करके ही परफॉर्म होता है और एग्जामिन करने का काम कम्प्लीटली सी प्लस प्लस लैंग्वेज करता है लेकिन ये काम अगर हम सी प्लस प्लस से खुल से करें तो बड़ा जटिल हो जाएगा कोडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा इसीलिए सी प्लस प्लस के माध्यम से नोट जेस बनाया गया ताकि आप सॉकेट प्रोग्रामिंग को ईजिली कर सको नोट जेस के माध्यम से ये तो पढ़ना होगा क्लाउड आप जानते हो रेस टी पी डेवलप करना आपको नोट जेस में भी सीखना होगा अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो जो एप्लीकेशन नोट जेस या बनाओगे उसे भी आपको टेस्ट करना होगा इसीलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल आपको पढ़ना होगा ये सारी चीज़ें आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ सकते हो बस एक बार इसमें इंटरेस्ट आप लेकर दिखाओ आपको तीन से चार महीना में आइडिया हो जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो इसलिए वेबसाइट पर विजिट कीजिए और सेल्स टीम को ज़रूर कॉल कीजिए कोर्स का रिव्यू देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए वैब इंस्टीट्यूट कोर्स रिव्यू देखें नोट जेस का भी स्टेबल टाइमिंग मैंने डिफाइन कर दिया था ट्वेंटी फोर मंथ अब आज ही एस पी डॉट नेट प्लेटफॉर्म के सिलेबस को जानते हैं पहले तो यहाँ से यहाँ तक आपका सब कुछ सेम होगा अब यहाँ देखिए यहाँ से सी शाप आपका स्टार्ट होगा सीशाप पढ़ने की क्यों आवश्यकता है इसको जानिए एस पी डॉट नेट की जब हम कोडिंग राइट करते हैं तो शीशाप के शब्दों में राइट करते हैं इसीलिए आपको पहले सीशाप पढ़ना होगा और सीशाप पढ़ने के लिए आपको सी आना चाहिए सी प्लस प्लस आना चाहिए तो अगर आप सी सी प्लस प्लस जानते हो तो ही सीशाप को पढ़ेंगे उसके बाद डेटाबेस के लिए पढ़ेंगे एस क्यूएल सर्वर एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे लिंक पढ़ेंगे फिर डिज़ाइन पैटर्न सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स रेजर पेजेज और फिर क्लाउड ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी जो जो जानना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में लिखिए डेफिनेटली फ्यूचर में कभी ना कभी इनकी वीडियोज आएंगी और देख लीजिए डॉट नेट में थर्टी सिक्स मंथ का टाइम कम से कम आपको इन्वेस्ट करना है यानी कि थ्री ईयर अब आज ही जावा प्लेटफॉर्म की सेलेबस को जानिए याद रखिए जावा प्लेटफॉर्म आप इस मोटो से सीखोगे जिससे आप बड़े सर्वर्स को मैनेज कर सको अब मान लीजिए गो डैडी पे हंड्रेड वेबसाइट होस्टेड होगा और प्रत्येक वेबसाइट पे टेन थाउजेंड के आसपास ट्रैफिक आएगा तो उसका जो सर्वर होगा जहाँ पे होस्ट किया गया वो कैसे मैनेज करेगा हर एक ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे होगा वो सर्वर जावा के माध्यम से तो इस लेवल का अगर आपको जावा आएगा तो ही आप इंटरप्राइज इंडस्ट्री में जावा के माध्यम से जॉब कर पाओगे और सेलेबस जाने से पहले टाइमिंग देख लीजिए मिनिमम फाइव ईयर क्योंकि नॉर्मल चीज़ सीखना जावा में आसान है दो साल में आप सीख जाओगे सर्वर मैनेज करना डेडिकेटेड सर्वर्स को हैंडल करना वीपीएस को ट्रबल सूट करना दो साल तीन साल में पॉसिबल ही नहीं है कि आप सीख पाओगे क्योंकि जब हम डेडिकेटेड सर्वर्स या वी पी एस को ट्रबल सूट करते तो वहाँ पे कोई ग्राफिक नहीं होता है कोई बटन नहीं होता है सिर्फ हम कोड के माध्यम से डेडिकेटेड सर्वर्स वग़ैरह को मेंटेन करते हैं इसीलिए मिनिमम फाइव इयर्स तो लगेगा कम से कम देखिए सेलेबस यहाँ से यहाँ तक सेम रखेंगे कुछ सेलेबस को जानबूझकर मैंने कॉमन रख दिया है ताकि वेब इंडस्ट्री के फील्ड में आपको इंटरेस्ट आ जाए फिर इसके बाद कोर जावा एस क्यू एल जे डी बी सी सर्वलेट जेएसपी एस वेब एप सिक्योरिटी रिपोर्ट जेनरेशन कलेक्शन फ्रेमवर्क एम वी सी स्प्रिंग हाइवर नेट क्लाउड और यहाँ जितना भी चीज़ पढ़ाया गया वो इंटरनेट से कॉपीड नहीं है जो मैं पढ़ाता हूँ उसी स्किल के अनुसार मैंने यहाँ पे सारे सेलेबस को डिफाइन किया है इसलिए आप चाहो तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करके किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज़ कर सकते हो और उसमें आप आगे बढ़ सकते हो अब देखिए पाइथन प्लेटफॉर्म के लिए सेलेबस एच डी एम एल सी एस एस जावा स्किप्ट जेक्वेरी एजाक्स बूट स्ट्रैप प्रोटोटाइपिंग टूल और रिएक्ट यहाँ तक सेम है इसके बाद पाइथन यानी कि कोड पाइथन फिर इसका कोई लाइब्रेरी पढ़िए वेब फ्रेमवर्क के लिए जैसे कि जेंगो फ्लास्क उसके बाद डेटाबेस ले लीजिए कोई माई डेटाबेस रेस्ट एपीआई को डेवलप करना सीखिए पाइथन में सिक्योरिटीज़ देने के लिए उसकी कुछ ए पी आईज़ है जिनको पढ़िए उसके बाद उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह को पढ़िए ओके पाइथन बहुत ईजी है और ट्वेल्व मंथ में पाइथन में अच्छा एक्सपीरियंस गेन करना काफ़ी है क्योंकि पाइथन में हर प्रोफेशनल सॉल्यूशन के लिए आपको लाइब्रेरीज़ मिल जाएगा बाकी के साइड लैंग्वेज में कोर शब्दों में कोडिंग ज़्यादा होती है प्रोफेशनल सॉल्यूशन के लिए लेकिन पाइथन में प्रोफेशनल सॉल्यूशन के लिए ऑलरेडी लाइब्रेरीज़ वगैरह मौजूद होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप प्रोफेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो ईज़िली इसलिए पाइथन में आपको कम से कम वक्त लगता है डेवलपर बनने में मैंने कोशिश किया आपको हर एक चीज़ समझाने का अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और वैप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद